हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और सही से पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में आपको कंपाउंड एंगल का जो भी फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, वो आपको हम प्रूव किए थे। और ये जो आपका है क्लास 11th का है, कंपाउंड एंगल का जो फॉर्मूला था उसको हम प्रूव कर दिए थे। आज जो हम बता रहे हैं कुछ एंगल के बारे में बता रहे हैं कि एंगल को नापते कितना तरह से है और किस तरह नापते हैं, क्या होता है। जैसे आपको पता है दोस्तों, पहले आप एंगल बनता कैसे है, जैसे कोण है, एंगल का हिंदी कोण होता है, कोण बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई लाइन गुजरा है, ये लाइन मान लीजिए एक्स हुआ, दूसरा कोई और लाइन है मान लीजिए ये वाई है, ये हम एक ही बिंदु से खींचे हैं। एक ही बिंदु से जब दो लाइन खींचा जाए, तो दोनों लाइन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ही बनेगा, अन्यथा वो लाइन होगा ही नहीं। जैसे देखिए ये एक्स ओ एक्स एक लाइन है, फिर उसी बिंदु से ओ वाई एक लाइन खींचे। जब ये दोनों, जैसे देखिए ये जो आप देख रहे हैं गैप है, ये जो यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं प्रारंभिक किरण, जिसको या तो प्रारंभिक भुजा भी बोला जाता है। ये हुआ अंतिम, मतलब ये हुआ इनिशियल, ये हुआ टर्नल। इनिशियल और टर्नल के बीच में जो ये गैप होता है, जैसे ये जो कोण बना, इसी को आप कोण बोलते हैं। और जनरली आप जो कोण को मापते हैं वो डिग्री में मापते हैं। जैसे देखिए डिग्री में आप मापते हैं कोण को, आप डिग्री में मापते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कोई लाइन है, अगर वो एक दूसरे के विपरीत है, इसमें दो लाइन हो गया, अगर एक दूसरे के विपरीत है तो उस दोनों के बीच में जो ये कोण बनता है ये 180 डिग्री बनता है। अगर ये दोनों लाइन, जैसे ये दो लाइन है, अगर इस बिंदु से ये लाइन, जैसे ये जो लाइन है इधर से लेके यहाँ तक 180 बना, अब फिर अगर ये लाइन ऐसे घूम के अपने प्रारंभिक लाइन पे आ जाता है, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई लाइन है यहाँ से ये घूर के इधर आया, इधर से घूर के अगर ये यहाँ चला जाता है, तो उसके केंद्र पे जो दोस्त है वो 360 डिग्री का कोण बना लेता है। कितना बन गया? ये 360 डिग्री बन गया। अब देखिए कभी एंगल पॉजिटिव बनता है, कब निगेटिव बनता है। एंगल भी जो बनता है वो दो तरह का बनता है। जैसे एक एंगल पॉजिटिव एंगल होता है, एक निगेटिव एंगल होता है। तो पॉजिटिव एंगल कब बनता है और निगेटिव एंगल कब बनता है? दोस्तों आपको पता होगा कि जब किसी लाइन पे, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी हुआ जैसे देखिए ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जब हम चलते हैं तो मेरा पॉजिटिव एंगल होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर था, हम इधर चल रहे हैं, ये हुआ एंटी क्लॉक डायरेक्शन, और हम अगर इधर चलेंगे तो ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये नाम किस पे पड़ा है दोस्तों? आप जानते होंगे क्लॉक जो है, आप समझ रहे होंगे कि घड़ी के बारे में बोला जा रहा है। अब घड़ी में देखिए बीच पॉइंट है, इस जगह आपका सुई अगर लगा हुआ रहता है तो देखिए दोस्तों ये हुआ, मान लीजिए ये घड़ी है, ये आपका 12 बज जाता है आपका इस जगह, या 24 बज जाता है, या 3 बज गया, या 6 बज गया, ये 9 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 है, ये 4 है, ये 5, 7 और ये 8 हो गया, 9 और 10 हो गया। अब देखिए इसमें जो आप देखे होंगे घड़ी में जो सुई घूमती है, ये जो है मान लीजिए मिनट की सुई, जब जो सबसे लंबी है ये मिनट आती सेकंड की सुई हो गई, और इससे जो हल्का छोटा है इसको मान लीजिए आप मिनट की सुई हो गई, और ये जो है आपका सुई मोटा वाला सुई, ये घंटा का सुई है। अब देखिए दोस्तों आप घड़ी को देखे होंगे कि क्या घड़ी हर हमेशा जो घूमती है इस डायरेक्शन में घूमती है। ये घड़ी है, इसका इंग्लिश नेम क्लॉक हुआ, और इसका ये डायरेक्शन है, इसके लिए इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर क्लॉक
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी चल रही है तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा, जिसे क्लॉकवाइज यही पॉइंट है और इसी जगह कोण बनेगा दोस्तों, ये जो ऊपर मान लीजिए ये है ये पॉजिटिव होगा और ये जो आपका होगा नीचे होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है ये एंटी क्लॉकवाइज में। जब हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में दोस्तों घूमते हैं तो वो मेरा नेगेटिव एंगल बनता है, और जब हम क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो नेगेटिव क्लॉकवाइज में जब घूमते हैं तो नेगेटिव एंगल बनता है। और एंटी क्लॉक मान लीजिए जैसे ये घड़ी इधर से घूम रही है, अगर हम इधर से अगर इधर चलते हैं तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉक, इसको बोलते हैं दोस्तों एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और इसको जो बोलते हैं दोस्तों ये हुआ क्लॉक वाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन ये हुआ। आप देखिए आप जानते समझे कि कौन कब बनता है, कब एक दूसरे के जब विपरीत हो लाइन हो जाता है, जैसे ये लाइन इधर है ये किरण इधर जा रही है ये किरण इधर जा रही है, तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा। अगर कोई आदमी या कोई भी जानवर एक जगह से घूर के एक के जगह मान लीजिए ये खूंटा है, इसमें गाय या जो भी है जानवर को बांध दिया गया है, उसका यह रस्सी है, अगर वो चारों तरफ चक्कर एक बार लगाता है, जिसका मतलब है वो अपना केंद्र पे वो अपना जो खुट्टा होता है, जो भी आप बोलते हैं बांस का खम्मा हो या कुछ भी हो, तो उसके सेंटर पे जो है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। और कोण भी दो तरह का बनता है, एक क्लॉक वाइज जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉक, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक का मतलब हुआ कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो एंटी क्लॉक, और घड़ी के जो घड़ी जिस दिशा में घूम रही है उसी दिशा में घूमते हैं तो वो क्लॉक वाइज, जब घड़ी के दिशा में हम घूमते हैं तो निगेटिव एंगल बनता है, और एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो मेरा पॉजिटिव एंगल बनता है। अब इस एंगल को जो मापते हैं हम कितना तरीका से माप सकते हैं, अभी तक हम जितना भी नापे हैं दोस्तों जनरली वो डिग्री में मापा गया है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना डिग्री का कोण बनता है। डिग्री जो है किसी भी संख्या के ऊपर अगर आप ओ लिखते हैं ये हुआ आपका डिग्री, इसको आप डिग्री बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये एक बार चक्कर लगाया तो 360 डिग्री बना, आप ये समझ लीजिए। अब हम दूसरे तरीका में अगर एंगल को मापे तो पैमाना क्या है, नापने का तरीका क्या है, और उसमें और इसमें अंतर क्या है दोस्तों, ये अगर जानिए। जैसे मान लीजिए अगर ये घड़ी जो है एक बार में पूरा चक्कर लगाता है एक मिनट के लिए, तो वो जो है एक डिग्री। अब देखिए दोस्तों एक डिग्री के लिए कोई अगर मान लीजिए एक डिग्री जो बराबर है वो होता है दोस्तों 60 एक डिग्री एक मिनट में जो बनता है दोस्तों, आप जानते होंगे कि ये जो है यहाँ से लेके ये एक बार अगर घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। उसी तरह अगर हम कहें कि एक डिग्री में वो कितना कोण बनाया या कि एक मिनट में वो कितना डिग्री का कोण बनता है उसमें, तो आप देखिए दोस्तों अभी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें एक डिग्री को हम 60 मिनट बोलते हैं, और आपको इस एक मिनट को 60 सेकेंड आप बोलते हैं, जैसे को मिनट को हम एक डैश से दर्शाते हैं और सेकेंड को डबल डैश से दर्शाते हैं। अगर हमको मिनट से डिग्री में जाना होगा तो हम 1/60 जोड़ देंगे, अगर हमको सेकेंड से डिग्री जाना होगा तो 1/60 × 60 इसको जोड़ देंगे, जो भी रहे एक्स वाई जेड, तो वो मेरा पूरा डिग्री में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों
जब ये डिग्री आप समझ लिए तो दूसरे फॉर्म में आप एंगल को किस तरह से मापते हैं। देखिए दोस्तों, एंगल को आप एक तरह से डिग्री माप दे माप में एंगल को एक बार में डिग्री मापे, दूसरा जो मापते हैं अभी तक आपने जितना भी मापा था वो एंगल को आप डिग्री में ही माप रहे थे, लेकिन आज जो आप जान रहे हैं एंगल को दूसरे फॉर्मेट में जो मापते हैं उसको बोलते हैं रेडियन। रेडियन अब कहता है, रेडियन कहता है मान लीजिए कोई वृत्त है, ये वृत्त है, मान लीजिए इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, अगर यही 1 सेंटीमीटर अगर 1 मिनट मान लीजिए कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में, ये 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त है त्रिज्या है ये 1 मिनट का चाप बनाया, चाप का यहाँ जो नाम होगा दोस्तों इसको बोलते हैं आर्स, ये हो गया आपका रेडियस जिसको त्रिज्या बोलते हैं। कहता है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या द्वारा जो मेरा चाप बनता है उस चाप और त्रिज्या के सहायता से जो केंद्र पे कोण बनता है उसी को रेडियन बोलते हैं। और अब देखिए दोस्तों, इसको रेडियन को जो है हम किसी भी संख्या पे अगर आई सी से दर्शा दे सी दे दे तो उसको रेडियन बोलते हैं। अब देखिए रेडियन जो होता है दोस्तों उसको जो मान लीजिए ये थीटा कोण बनाया है, थीटा रेडियन हुआ। अब हम हो सकता अब देखिए जैसे थीटा रेडियन हुआ तो चाप और ये चाप जो है इसको आप एल से दर्शाते हैं लेंथ ऑफ आर्स, और ये त्रिज्या है इसलिए लेंथ ऑफ ये त्रिज्या को आप जो मापते हैं आर में। अब देखिए जैसे थी अगर हम लिखेंगे थीटा रेडियन तो कहता है रेडियन, रेडियन का परिभाषा हुआ कि चाप का लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को रेडियन बोला जाता है। चाप का लंबाई L हुआ और त्रिज्या कितना हुआ R, तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू L बटे R हुआ। ये थीटा रेडियन कहाँ बना तो ये सेंटर पे बना, ये L क्या है तो ये चाप का लंबाई है, और ये R क्या है तो ये त्रिज्या है। इस त्रिज्या द्वारा जो चाप बना और ये त्रिज्या और चाप के माध्यम से जितना कोण बना इस चाप को बनाने में, ये चाप ये कोण जो बना इसी कोण को हम रेडियन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों रेडियन आप समझ गए कि रेडियन कैसे बनता है, रेडियन का परिभाषा क्या हो, तो रेडियन का परिभाषा हुआ दोस्तों चाप का लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को हम रेडियन बोलते हैं। अब देखिए रेडियन और रेडियन और डिग्री दो बात हुआ, अब दोनों में रिलेशन क्या है। जैसे देखिए रेडियन जो है वो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस का मतलब हुआ इसका कोई बीमा नहीं होता है, क्या है बीमा नहीं होता है तो आप थीटा रेडियन आप क्या जानते हैं एल बाई आर, एल भी सेंटीमीटर में आर भी सेंटीमीटर में, या एल मीटर में तो आर भी सेंटीमीटर में, दोनों ऊपर नीचे कट गया तो थीटा जो रेडियन जो बचा आपका एल बटे सिर्फ आर बचा, इसके लिए इसका बीमा नहीं होता है। अब देखिए अगर बोला जाएगा कि दोनों में रिलेशन क्या है, डिग्री और रेडियन दोनों तो माप रहा है एंगल को ही, तो रिलेशन क्या होगा, तो देखिए दोस्तों रिलेशन ये है कि रेडियन जो होता है ये पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, इसको याद रखिएगा पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, यही इसका रिलेशन हुआ। अगर हमको यहाँ से डिग्री में निकालना रहे, डिग्री रेडियन दिया है डिग्री में निकालना रहेगा तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना होगा 180 बटे पाई। आप जानते हैं कि पाई का मान ट्रिगोनोमेट्री में 180 डिग्री होता है, लेकिन आपका पाई का जो मान होगा यहाँ पाई 22/7 लिया जाएगा, क्योंकि
अगर यही पाए ऊपर में रहता तो इसका एक्स्ट्रा 3 डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जब पाए नीचे आ गया, ये इसको बोलते हैं आंस, इसको बोलते हैं हर। जब पाए हर के रूप में आ जाए तो उसका मान 22/7 लिया जाएगा, और इसी के द्वारा कितना भी डिग्री दिया रहे उसको हम कितना भी रेडियन में दिया रहे उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो एक डिग्री में कितना रेडियन होगा, ये होगा रेडियन, तो पाई बटे 180 रेडियन, ये हो गया एक डिग्री में। अगर मान लीजिए कितना भी बोला जाएगा तो इसी हिसाब से निकाला जाएगा, और मान लीजिए अगर बोल देगा 5 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो आपका होगा पाई बट्टे 180 गुना 5 पूरे होल का रेडियन। तो 5 से इसको कटा दीजिएगा तो हो सकता है ये 36 होगा, तो इसको लिख सकते हैं पाई बट्टे 36, इसको बोलिएगा रेडियन। अगर मान लीजिए कहीं दिया रहे कि आप 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो एक डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन हो गया। अब देखिए अगर आपको 10 डिग्री बोला गया है तो पाई बटे 180 गुना 10, ये हो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। जब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया तो 0 0 खत्म, पाई बटे 18, यही हो गया रेडियन। अगर रेडियन में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों कुछ नहीं लिखा हुआ है, बोल रहा है इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो आप देखिए अगर ये सिंबल दिया रहे या ना दिया रहे उससे मतलब नहीं है। अगर आप देख लीजिएगा कि ऊपर में पाए है और नीचे कुछ भी रहे संख्या रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा ये एंगल जो दिया हुआ है रेडियन में दिया हुआ है। अगर आपका ऊपर में पाए नहीं रहे नीचे पाए रहे, तो आप समझ लीजिएगा वो डिग्री का फॉर्मेट दिया हुआ है, रेडियन में निकालना है। अब जैसे दोस्तों ये आपको पता है, अब आप इसके आधार पे अगर कुछ सवाल बनाते हैं तो आपका जो 3.1 या KCC Now 4.1 जो भी चैप्टर है उससे आप सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे सवाल बताया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।